आज हम स्टडी करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक क्लास 12 फिजिक्स सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर होगा रे ऑप्टिक्स। ठीक है, इसी को शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट वन इसका हम आज स्टडी करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो सपोज मैं यहाँ पर एक ग्लास स्लैब बनाऊं, लेट्स से दिस इज द ग्लास स्लैब। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं, सपोज अब ये ग्लास स्लैब अपने आप एक मीडियम है। ठीक है, इसके इधर भी एयर, इसके इधर भी एयर। सपोज मैं एक लाइट रे पास कराता हूं, लेट्स से दिस इज द लाइट रे, ये जो इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस की ग्लास स्लैब। ठीक है, अब इस पे मैं यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, लेट्स से दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, और तो इस एंगल को आप बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये लाइट रे इंसिडेंट हुई। अब आपको पता है जब कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने पाथ से वो हट जाती है, भटक जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं रिफ्रेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रेक्शन। तो यहां भी यही इंसिडेंट होगा, यहां पर भी जो लाइट रे होगी, यहां पर एयर से ग्लास में जा रही है। अब एयर से ग्लास में जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो नॉर्मल की ओर झुक जाती है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। वैसे इसका पाथ ऐसा होना चाहिए था सीधे, तो ये पाथ सीधा ना होकर थोड़ा सा इस पाथ से भटक जाएगी, यानी ऐसे ये लाइट रे निकलेगी इसमें से। ठीक है, और जिस एंगल से ये लाइट रे इसमें बाहर निकलती है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। ठीक है, अब ये लाइट रे यहां पर पहुंच गई, अब आप यहां पर देख पा रहे हैं फिर से लाइट रे यहां से बाहर आनी है, बाहर अगर ये लाइट रे आएगी तो फिर से यहां पर रिफ्रेक्शन का होगा, क्यों? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है, अब यहां से फिर से ये डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट आएगी, रेयर यहां पर एयर मीडियम है, तो यहां पर आप अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है अब आपकी जो लाइट है इसकी स्पीड अब आपकी क्या हो जानी है, बढ़ जानी है। क्यों? क्योंकि रेयर, सॉरी डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट एंटर होगी, तो व्हेन द लाइट विल एंटर फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम इट विल क्या होगा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भगेगी अब, तो नॉर्म ऐसे एक्चुअली इसका पाथ ये है, तो अभी पाथ इसका यू टाइप का कुछ हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे आपका इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एमरजेंस, ये एंगल ऑफ एमरजेंस है ई इससे, और ये एमरजेंट रे होती है। क्या होती है? एमरजेंट रे। This is the refracted ray and this is the incident ray. आपतित किरण, अपवर्तित किरण and उत्सर्जित किरण, और ये कोण उत्सर्जन कोण हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? अब अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन तो ये होता है पहला लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। पहला लॉ होता है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। क्लियर है? इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ऑल द थ्री विल लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में होते। कौन कौन से रे? पहला इंसिडेंट रे, कौन सी रे का पहले रे? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और रिफ्रेक्टेड रे एंड नॉर्मल, बोथ ऑल द थ्री विल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में ये होते हैं। दूसरा, यहां पर एक स्नेल का लॉ फॉलो होता है। स्नेल का लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि एंगल ऑफ इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन दोनों का जो रेशियो होता है, ये रेशियो जो होता है ये होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट, यानी द रेशियो बिटवीन द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं हम एन टू वन। एन टू वन मीन्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। सपोज ये सेकेंड मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी सेकेंड मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, इसको बोलते हैं एन टू वन, ये कॉन्स्टेंट कहलाता है, इसको आप रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? दिस इज नोन एज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। बात समझ आ गया? तो ये है स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो ये दो लॉ फॉलो करता है आपका लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन। ठीक है, अब अगला केस इसे पढ़ते हैं अपेरेंट डेप्थ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब अगला केस इसमें जो हम पढ़ेंगे वो होगा अपेरेंट डेप्थ, यानी आभासी गहराई, अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ अगर आपको निकालनी है, सपोज क्या होता है, चीज देखो अच्छे से देखना। सपोज ये वॉटर है, let's say this is the water, this is the water, this is the water। ठीक है, यहां पर आपने कोई कॉइन रखा है, अब आप देखते हैं ये कॉइन
वैसे तो वाटर के नीचे है, नीचे है वाटर के नीचे, उसमें है सतह पे बोलते हैं नीचे सरफेस पे। लेकिन अगर आप इस कॉइन को देखेंगे तो आपको ये कॉइन थोड़ा सा ऊपर दिखेगी, दिखेंगे दिखेगी। तो ऐसा क्यों होता है, देखो आप ऐसा क्यों हुआ। तो यहां से अगर आप एक रे पास कराएं, सपोज ये रे यहां से निकली, सपोज आप यहां से देखेंगे इसको कहीं से, ये रे यहां से निकली। अब आप देख पा रहे हैं यहां पर जो ये रे है, इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। ये जो रे इंसिडेंट हो रही है, ये इस सरफेस से यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर कर रही है। तो अब क्या होगा, ये नॉर्मल से क्या होगा, नॉर्मल से दूर भगेगी। क्यों? क्योंकि ये रेयर मीडियम में एंटर कर रही है। तो डेंसर से रेयर मीडियम में जब भी एंटर करती है तो क्या होती है, वो नॉर्मल से दूर भगती है। तो यहां पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करें, सो लेट्स से दिस इज द नॉर्मल, जैसे दिस इज द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से दूर भगेगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इज इट क्लियर? क्लियर है ना? क्लियर? तो आप देखो ये एंगल आपका कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कौन सा एंगल कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये एंगल आपका क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। सपोज आपकी आई यहां से आप देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, यहां से इस पॉइंट को देख रहे हैं। तब आप क्या होगा, अगर आप इंसिडेंट रे को आप पीछे मुड़ा, पीछे करें, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको आप पीछे करें सीधे इसी डायरेक्शन में, सीधे ऐसे लाएं इसको, ये रिफ्लेक्टेड रे को सीधे पीछे करें, तो आपको जो ये पॉइंट दिखाई देगा यहां पर दिखाई देगा, ये पॉइंट उठा हुआ है आपको यहां पर दिखाई देगा। बात समझ आई? तो ये जो पॉइंट आपको दिखा, इस हाइट को आप बोलेंगे यहां, दिस इज एच आई, दिस इज अपेरेंट डेप्थ एच आई, यहां पर इमेज फॉर्म हो गया, यहां पर आपको एक पॉइंट दिखेगा अपेरेंट डेप्थ, इसको एच आई बोलेंगे। और जहां पर आपका रियल में जो पॉइंट है यहां पे, इसको बोलेंगे रियल डेप्थ। कौन सी डेप्थ होगी? रियल डेप्थ, वास्तविक कह रहा है, ये आभासी कह रहा है। तो इस हाइट को बोलेंगे एच ओ, यहां पर ऑब्जेक्ट आपका। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए शिफ्ट, यहां पर आपसे कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि शिफ्ट कितना होगा, यानी कितना इमेज ऊपर उठी होगी, तो एच ओ में से एच आई आपको माइनस करना पड़ेगा, दिस विल बी द शिफ्ट, इतना शिफ्ट उस पॉइंट में ऊपर को हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन के कारण होता है। रिफ्लेक्शन के कारण आपको क्या होता है, ये पॉइंट आपको यहां पर इतनी उठी हुई दिखती है। ठीक है, अब अगर आप देखें यहां पर, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ये एंगल आर है तो ये कंप्लीट भी एंगल आर होगा, वर्टिकली अपोजिट है आर, तो ये भी आर। अगर ये आर है तो मुझे बताओ ये जेड शेप में क्या ये भी एंगल आर बन जाएगा? ऑब्वियसली बन जाएगा। अगर ये अंदर वाला एंगल आ है तो ये भी एक जेड शेप में बन रहा है, तो ये भी एंगल आई हो जाएगा। अगर इसमें नाम दे दूं, मैं इसको ए दे दूं, इसको बी दे दूं, इसको सी दे दूं, ठीक है, एंड दिस इज डी। ठीक है, अब अगर आप देखें यहां पर, अगर मैं स्नेल का लॉ लगाऊं, तो स्नेल का लॉ कहता है क्या, कहता है क्या, कहता है सपोज दिस इज, दिस इज द फर्स्ट मीडियम N1 and this is N2. तो स्नेल का लॉ क्या कहता है, N1 sin, यहां पर कौन सा एंगल है, I है, N1 sin I is equal to N2 sin R. N1 sin I is equal to N2 sin R. क्लियर है? क्लियर है? आप देखो यार, अगर आपका जो ये एंगल है बहुत छोटा एंगल होता है, अगर थीटा, कभी भी ध्यान रखना, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा अगर बात बहुत छोटा है तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा को, आप थीटा लिख सकते हैं, एंड यू कैन राइट टेन थीटा एज थीटा, यू कैन राइट साइन थीटा एज थीटा, एंड यू कैन राइट टेन थीटा एज थीटा, टेन थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को आप साइन थीटा लिख सकते हैं इस केस में। तो अगर यहां पर भी अगर ये एंगल बहुत छोटे हैं तो आप भी क्या लिख सकते हैं, साइन आई को आई लिख सकते हैं, इट मीन आई कैन राइट एन वन आई इज इक्वल टू एन टू आर, दिस विल बी इक्वेशन नंबर वन। ओके, नाउ वन मोर थिंग, अगर यहां से आप एंगल ए डी बी से टेन आर की वैल्यू निकालें, क्या निकालें, टेन आर, कौन से एंगल से, ए डी बी या ए बी डी से अगर टेन आर की, तो टेन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, एंड बेस इज एच आई। ठीक है, क्लियर है? अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो टेन आर को भी आप क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, आर विल इक्वल टू ए बी अपॉन एच आई, इज इट क्लियर? सिमिलरली बड़ा वाला ट्रायंगल आप लेते हैं ए सी बी ले लेते हैं, इसमें अगर आप टेन आई की वैल्यू निकालें, टेन आई की वैल्यू निकालें, तो टेन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ए बी बाय एच ओ, ए बी बाय एच ओ, तो यहां से भी आई बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बाय एच ओ,
ओके नाउ पुट बोथ दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन. ये दोनों वैल्यूज को अगर मैं इक्वेशन नंबर वन में पुट करता हूं, क्या कहां पे इन प्लेस ऑफ आई एन आर की जगह मैं दोनों वैल्यूज को पुट करता हूं, जरा देखो एन वन इन टू आई की वैल्यू क्या है ए बी अपॉन एच वन विल बी इक्वल्स टू एन टू इन टू आर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर ए बी अपॉन एच आई ए बी अपॉन एच आई. सो ए बी विल बी कैंसल्ड आउट. सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट एन वन अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू एन टू अपॉन एच आई. इज इट क्लियर. सो एन टू को इधर ले आओ, इट इंप्लाइज एन टू अपॉन एन वन सॉरी एन वन अपॉन एन टू इज इक्वल्स टू एच ओ अपॉन एच आई. ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा एन वन अपॉन एन टू इज इक्वल्स टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू एच ओ अपॉन एच आई, आपका फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है, तो इससे आप अपेरेंट डेप्थ रियल डेप्थ एंड द शिफ्ट कितना ये इमेज ऊपर नीचे भी इस फॉर्मूले की मदद से आप निकाल सकते हैं. क्लियर है. अब अगला केसेस में हम जो पढ़ने जा रहे हैं, प्लीज नोट इट डाउन. ओके, अब अगला केसेस में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन. क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टी आई आर, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन. पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये कौन सी घटना है, व्हाट इज दिस, ये आपका पूछा जाता है एग्जाम में. ठीक है, सब देखो बच्चों, मैं यहां पर देखो, ये मेरा एक डेंसर मीडियम है, दिस इज द डेंसर मीडियम एंड दिस इज द रेयर मीडियम, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है. अब मैं क्या कराता हूं, मैं लाइट रे को यहां से एंटर करता हूं, ये देखो ये लाइट रे एंटर हुई, माना किसी एंगल से हुई, ये हुआ, ये एक एंगल आई है, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई यहां पर. अब आप देखते हैं कि डेंसर से रेयर जाती है, नॉर्मल से अवे जाती है, तो अवे जाएगी यानी कुछ ऐसे निकल जाएगी, सीधी जानी चाहिए थी इसने एक्चुअली में, सीधी नहीं गई तो ये थोड़ा सा बेंट टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, यानी ये होगा एंगल ऑफ आर्क. अब अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दें तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ते जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा. सपोज मैं आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दूं, ये बढ़ा दिया मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा कर दिया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी, और बढ़ जाएगा. नाउ एक केस सिचुएशन ऐसी आ सकती है आपकी, सपोज ये देखो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बड़ा कर दिया, सपोज आपने इतना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया. अब आप देखते हैं कि ये रिफ्रेक्टेड रे होगी धीरे 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 धीरे, ये इसी में से सीधे सरफेस से टच करती भी बाहर निकल जाएगी, ये निकल जाएगी, सरफेस को टच करती भी निकलती. तो आप यहां पर देख रहे हैं अगर आपने ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन कितना बन गया आपका 90 डिग्री बन गया, तो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. क्या बोलते हैं इसको, क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण. तो क्या है क्रांतिक कोण, वह आपतन कोण, वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, ऐसे कोण को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण. ठीक है, मींस व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, द एंगल या द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री अगर हो जाता है, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप क्या बोल देते हैं, क्रिटिकल एंगल. ठीक है, यानी इस एंगल पे जो रिफ्लेक्शन होगा उस सरफेस को टच करते हुए ऐसे निकल जाएगा, यानी कितने का रिफ्लेक्शन होगा, 90 डिग्री का रिफ्लेक्शन यहां से हो जाएगा. ठीक है, अगली सिचुएशन मोस्ट इंपोर्टेंट, अब क्या हो रहा है, अच्छा ऐसे घटना होती है जो ये यहां पर फेनोमेना हो रही है, इस घटना को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस. क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इमरजेंस. क्या बोलेंगे, तो व्हाट इज ग्रेजिंग इमरजेंस, ग्रेजिंग इमरजेंस इन द फेनोमेना फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री, जहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, ऐसे फेनोमेना बोलते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस. इज इट क्लियर ना. अब देखो, अब अगर मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, अब जो क्रिटिकल एंगल यहां पर बना है, फिक्स एंगल बना है, इससे बड़ा कर दूं, इफ नाउ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, अब क्या घटना हो जाएगी, जरा देखो आप, वेरी इंटरेस्टिंग, ये देखो आपने क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने यहां पर क्रिटिकल एंगल से बड़ा दे दिया, अब क्या होगा, अब क्या होगा पता है, अब ऐसी घटना हो जाएगी ना, जब ये लाइट रे को आप दूसरे मीडियम में पहुंचा रहे हो, दूसरे मीडियम में ना जाके उसी मीडियम में वापस उसी एंगल से वापस निकल जाती है, क्या कहा मैंने, अब रिफ्लेक्शन नहीं होगा,
अब क्या हो रहा है, इसमें रिफ्लेक्शन होने लग गया. नाउ मींस जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर देते हैं तो जो लाइट रे है उसी मीडियम में वापस उतना ही कोण बनाते हुए आ जाती है. इसी घटना को हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन. मींस द एंगल इफ व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द फेनोमेना फॉर विच इफ वी रेज द एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन द क्रिटिकल एंगल एंड द लाइट रे रिफ्लेक्ट इन द सेम मीडियम इस घटना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. वही है ना, क्रिटिकल एंगल से आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो लाइट रे उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, उतना ही कोण बनाते हुए निकल जाएगी. तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिना किसी मिरर के हो रहा है. एक्चुअली मिरर नहीं है, बिना किसी मिरर के आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो रहा है. वैसे रिफ्लेक्शन के लिए मिरर चाहिए, क्लियर है ना. तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्लियर है, ध्यान रखना. तो देखो अगर आपका रिफ्रैक्शन की कंडीशन होगी क्या, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन सी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस सी क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो रिफ्रैक्शन होगा. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए तब होगा ग्रेजिंग एमर्जेंस. कौन सी फिल्म, कौन सी घटना होगी तब, ग्रेजिंग एमर्जेंस. तो ग्रेजिंग एमर्जेंस कब होगा, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल. ठीक है, नाउ इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तब जो फिनोमेना होने जा रही है दैट इज TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो ये तीन केसेस आपको याद रखने हैं, क्लियर. अब यहां पर मैं बच्चों स्नेल का रूल लगा रहा हूं इस फिनोमेना में, ग्रेजिंग एमर्जेंस. तो आपको पता है सपोज दिस इज मीडियम N1, दिस इज मीडियम N2, तो यहां पर स्नेल का नियम लगा, तो स्नेल होता है N1 sin I. स्नेल का नियम लिखने का अच्छा तरीका है N1 sin I, यानी जिस मीडियम में ले रहे हैं N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R. N2 sin R. दिस इज स्नेल्स रूल. तो N1, अब आपका यहां पर कौन सा फिनोमेना हो, ग्रेजिंग एमर्जेंस हो रहा. तो ग्रेजिंग एमर्जेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है. तो यू कैन राइट sin C इक्वल्स टू N2 एंड sin R. रिफ्लेक्शन कितना है, 90 डिग्री का है. तो यू कैन राइट N1 sin C इक्वल टू N2 sin 90 की वैल्यू 1 होती है. तो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट द क्रिटिकल एंगल, sin C विल बी इक्वल्स टू N2 / N1. यानी क्रिटिकल एंगल आप ऐसे निकाल सकते हैं किसी भी मीडियम के लिए. ठीक है, अगर आपका सबको दूसरा मीडियम, ये मीडियम आपका एयर है, यानी किसी भी मीडियम से एयर में लाइट रे जा रही है, एयर है दूसरा मीडियम. तो दूसरा मीडियम अगर एयर है तो एयर के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है. तो आप लिख सकते हैं फॉर एयर sin C इज इक्वल्स टू 1 / N. किसके लिए काम है, किसके लिए काम, एयर के. अगर दूसरा मीडियम आपका एयर है तब आप sin C इक्वल टू 1 / N1 लिख सकते हैं, क्लियर. तो ऐसे आप किसी मीडियम का क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं. ये था हमारा आज का टॉपिक. नेक्स्ट पार्ट में कुछ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू.